आप देख रहे हैं बेसिक कुकिंग विद मंदीप। रसमलाई बनाना मुश्किल नहीं है अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। इस वीडियो में मैं सारी बातें शेयर करूंगी जिससे रसमलाई अच्छी बने। ये मैं फैलो मिल्क लिया है पनीर बनाने के लिए। इसको बॉईल करके मलाई अलग कर दी है। इतने दूर से 5 रसमलाई बन जाएंगी। रबड़ी बनाने के लिए मैंने 1.5 गिलास दूध लिया है। दूध मैंने गैस पे रख दिया है बॉईल होने के लिए। दूध उबलना शुरू हो गया है। मैंने विनेगर लिया है, 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच पानी। हमेशा ऐसे ही यूज़ करना है। पनीर पाटते वक्त दूध को थोड़ा ठंडा करना है। उबलते हुए दूध में हमने ये नहीं डालना, नहीं तो हमारा पनीर बहुत हार्ड हो जाएगा। और ये थोड़ा थोड़ा करके डालना है। देखिए पनीर बिल्कुल अलग हो गया है। दूसरी बात का ये ध्यान रखना है कि इसको पनीर को पानी में ज़्यादा देर नहीं रखना, नहीं तो आपका पनीर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। पनीर को हम 5-6 बार पानी से वॉश कर लेंगे और इसको या तो आप 30 मिनट के लिए रख दीजिए, कहीं टांग दीजिए, या फिर इसको निचोड़ निचोड़ के पानी इसका निकाल दीजिए। मैंने इसको वॉश कर लिया है, अभी मैं इसका पानी निकाल रही हूँ। आपके पास टाइम है तो इसको 30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। रबड़ी बनाने के लिए मैंने दूध रख दिया है। रबड़ी वाला दूध उबलने लगा है। अब इसको लो फ्लेम पे कर देते हैं और इसमें डालेंगे केसर, थोड़ा सा केसर कलर के लिए, 1 इलायची। अब इसको हम स्लो आंच पे पकने देंगे। ये देखिए दूध आधा रह गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि ये ठंडा होके गाढ़ा हो जाता है, इसलिए हम इसको बंद करके साइड पे रखेंगे ठंडा होने के लिए। मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है, देखते हैं। यहाँ थोड़ी मेहनत का काम है, हमें इसे मक्खन जैसा बनाना है। 5 मिनट के लिए इसको मलना है अच्छे से। देखिए इसको ऐसे अपनी हथेली से मसलना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। 3 मिनट हो गए हैं, ये बहुत स्मूथ हो गया है। इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर बिल्कुल थोड़ा सा, ये ऑप्शनल है, पर अगर आप पहली बार बना रहे हो तो ये बाइंड करता है तो आप डाल सकते हो। अभी मैं इसको 1 मिनट के लिए और मसलूँगी। ये मैंने 3 कटोरी पानी लिया है, इसमें 1 कटोरी चीनी ऐड करूंगी और इसको बॉईल करने के लिए रख दूंगी। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो इसको ऐसे करके हल्के हाथों से बस ऐसे प्रेस कीजिए। सारी बन गई है। 15 मिनट हो गए हैं, अभी गैस को हम बंद कर देंगे और रसमलाई को इसी पानी में 10 मिनट के लिए रखेंगे। देखिए कोई भी रसमलाई टूटी नहीं है। 10 मिनट हो चुके हैं, ठंडा पानी लिया है, रसमलाई डालेंगे। पहले थोड़ा पानी डाल लेते हैं क्योंकि वो बहुत ठंडा पानी है, से रसमलाई अंदर से सख्त नहीं होती, नहीं तो कई बार हम जैसे सीधा रबड़ी में डाल दें वो बाद में हार्ड हो जाती है, तो ऐसे करने से हार्ड नहीं होती। अभी हम इसको 15 मिनट के लिए
इस पानी में रखेंगे। 15 मिनट हो गए हैं, अभी हम इसको रबड़ी में डालेंगे। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए, इसको ऐसे करके देखिए, कोई भी टूटी नहीं है जी। मैंने 4 गिलास दूध से 4 निकाली हैं। आप इसका साइज़ छोटा रख के 5 या 6 भी बना सकते हैं। अभी हम इसको फ्रिज में रखेंगे 3 घंटे के लिए।